फैसला महफूज कर लिया है। पीटीए के वकील ने दलाल दिए कि गेम में कुछ मवाद इस्लाम के खिलाफ है, जबकि कुछ गैर इखलाकी सीन भी आते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस्लाम के खिलाफ गेम में क्या है, ये बताए किस कानून के तहत गेम पर पाबंदी लगाई गई। सिर्फ दरख्वास्त आने पर पाबंदी नहीं लगाई जाती, बल्कि पीटीए ने अपना दिफा में भी इस्तेमाल करना होता है। इसी हवाले से बात करेंगे, एहतिशाम कियानी हमारे साथ मौजूद है। एहतिशाम बताएगा समाअत का अहवाल। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने दलाइल सुने और दलाइल में जो पीटीए की जानिब से वकील अदालत में पेश हुए, उन्होंने ये मौकिफ इख्तियार किया कि गेम में इस्लाम के खिलाफ कुछ मटेरियल नजर आया है, इसके अलावा उसमें कुछ गैर इखलाकी सीन भी आते हैं, इसलिए गेम पर पाबंदी लगा दी गई। जिस पर अदालत ने यह इस्तफ्तार किया कि आपको क्या मवाद इस्लाम के खिलाफ मिला है, और अगर एक दरख्वास्त आ जाती है तो पीटीए उस दरख्वास्त पर सिर्फ किसी गेम पर पाबंदी नहीं लगा सकता, बल्कि कानून को देखना होता है। पीटीए ने अपना माइंड अप्लाई करना होता है, और ये जो मामला है इसमें किसी माहिर नफ्सियात को भी बुलाकर पीटीए को उससे भी हदायत लेनी चाहिए थी, और उसके बाद कोई फैसला करना चाहिए था। अदालत ने ये भी रिमार्क दिए कि एक दरख्वास्त अगर आ जाती है तो उस पर फौरन से इसको बंद नहीं कर देना चाहिए था। ये दरख्वास्त दी गई थी जो सीपीओ रावलपिंडी हैं उनकी जानिब से, चूंकि दो लोगों ने खुदकुशी कर ली थी इस गेम की वजह